गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, ऐ किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया। कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो के मिलने सखावत नसीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं, शीघ्र कहो क्या संदेशा लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को आपसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए, ये विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात यह नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात यह है, यह कोई परदेसी है, परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। प्रभु, कैसी बातें?
देखो वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र कौन है? वो कहां से आया है? क्या नाम है उसका? शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को बचो के ही ग्रामा धोती फटी चुपटी और पांव उपान की नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकिसो वसुधा रामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया है हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया है और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे
समां तेरे करीब आ गया है, खुशी का समां तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समां।